डियर स्टूडेंट, मैं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लब में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.5। और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से लगाए थे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 10 के आएंगे जितने भी क्वेश्चन, उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगाएंगे, ठीक। और अगर आपने 11 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। और हाँ, अगर आप प्रश्नावली 6.5 के पहले के सारे प्रश्नावली को लगाना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। भाई देखते हैं क्वेश्चन 11, देखिए 11 क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है यदि दिया है कि अंतराल इतने में एक्स बराबर एक पर, ध्यान दो, इतने का मतलब होता है कि 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक के बीच में x बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। x बराबर 1 पर फलन इतना उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आप ऑलरेडी कह रहा है कि यह उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो पहले जो फलन दिया उसको किसी के बराबर मान लेते हैं, a के बराबर मान लो, b के बराबर मान लो, c के बराबर मान लो, या तो हम मान लेते हैं उसको px के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उतारो क्या है, x के बराबर 4 है और -32x² और +ax और प्लस क्या 9, इसको बराबर मान लेते हैं px के, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बार डिफरेंशिएट करोगे पहले, तो कर लो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा p-x, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा, अवकलन करोगे तो आएगा 4x³ माइनस, इसका अवकलन करोगे तो आएगा 124x, ax का अवकलन करोगे तो आएगा a, और प्लस 9 का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 0। सही से लिखते हैं p-x बराबर 4x³ माइनस 124x और प्लस a, इतना हो गया। कह रहा है उच्चतम मान प्राप्त करता है, ऑलरेडी कह रहा है कि जो फलन है वो उच्चतम है, तो यहां पे आप लिख दोगे उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, या निम्नतम मान के लिए कुछ भी रहे, हम क्या करते हैं, लिखते हैं f, सॉरी यहां पे क्या है, p डैश है, लिखोगे p-x बराबर क्या 0, हो गया बराबर। अब देखो p-x की जो वैल्यू है ना, उठा के यहां रख दो, क्या वैल्यू है, तो वैल्यू है 4x³ माइनस 124x और प्लस a बराबर 0, यही तो है। ध्यान से देखना, देखो सवाल में x बराबर 1 दिया हुआ है, दिया गया तो यहीं पे रख दो, लिख दो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो जैसे आप रखोगे देखो क्या होता है, हमको a का मान निकालना था, तो रखोगे तो हो जाएगा 4x की वैल्यू क्या है 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 124 और गुणे क्या हो जाएगा a और प्लस a बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। एक का जब घन करोगे तो आएगा एक ही, और चार करने में क्या हो जाएगा 4 माइनस 124 करने में हो जाएगा 124 और प्लस क्या हो जाएगा a बराबर 0, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद 124 में से 4 जाएगा तो माइनस आएगा 120 और प्लस a बराबर 0, यहां से एक मान निकाल सकते हो, a बराबर 120 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 120, और इस तरह ए का जो मान आ गया वो आ गया 120, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 11 देख लिया, आप चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, अच्छे से देखिएगा। कह रहा है अंतराल इतने पर x प्लस साइन टू एक्स का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उच्चतम मान माने उच्चिष्ट मान निकालना है, निम्नतम मान माने निम्निष्ट मान निकालना है। एक अंतराल भी दिया है तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमको जो x का मान निकालना है वो इसी अंतराल के अंदर ही निकालना रहेगा, ठीक। तो पहले जो भी दिया उसको उतार लीजिए, x प्लस साइन टू एक्स ये फलन है, इसको आप किसी के बराबर मान लीजिए, p बराबर x कुछ भी बराबर कर लीजिए, या बराबर आप एफ एक्स कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से आप देखिए, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो आप, डिफरेंशिएट का मतलब अवकलन कर दो, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, x का अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस साइन 2x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा cos 2x, फिर साइन को ठकोगे 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2, इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस
दो का गुणा करोगे तो आएगा दो कॉस टू एक्स, इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है उच्चतम मान भी निकालना है, निम्नतम मान भी निकालना है, तो आप यहाँ लिखोगे उच्चतम या उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, या उच्चतम उच्चतम या निम्नतम के लिए, निम्न निम्न निम्नतम के लिए, ठीक है, या उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद यफ डैश जो एक्स उसको जीरो के बराबर कर दो, तो हो जाएगा यफ डैश एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो यफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये, उसको यहाँ पे रखो तो क्या आएगा वन प्लस टू कॉस टू एक्स बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना हमारा मेन दे है, तो एक उधर भेजोगे तो हो जाएगा टू कॉस टू एक्स बराबर, एक इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक, और इसके बाद कॉस टू एक्स बराबर माइनस एक, और ये नीचे दो आएगा तो एक बड़ा दो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, चलो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, देखो ध्यान से, कॉस टू एक्स, देखो कॉस कितने का मान एक बड़ा दो होता है, तो कॉस साठ का मान होता है एक बड़ा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर देखो सवाल में कह रहा है कि जो अंतराल ये है जीरो से लेके 360 के बीच, तो जीरो से 360 यानी ये पूरा चतुर्थांश हो गया, क्योंकि ये 360 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू निगेटिव आई, तो देखो कॉस की वैल्यू किस में निगेटिव होती है, तो कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है दूसरे में और तीसरे में, ठीक है। तो दो कंडीशन पैदा होंगे, एक बार दूसरा चतुर्थांश में, एक बार तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो दो स्थिति पैदा होगी, पैदा होगा तो आप कह सकते हो पहली स्थिति में और दूसरी बार आप कह सकते हो कि दूसरी स्थिति में, ठीक है, दूसरी स्थिति में। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, ये है cos 2x, देखो इसको लिख सकते हैं हम ना, cos लिख सकते हैं 180 माइनस 60, क्योंकि cos 180 माइनस 60 बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, दूसरे चतुर्थांश में कॉस से कॉस हट जाएगा और बचेगा 2x बराबर, तुलना करोगे तो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 180 में 60 जाएगा तो आएगा 120, और दो से काट दोगे तो x बराबर हो जाएगा 60, x की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। अब यहाँ दूसरी स्थिति में देख लो क्या था, कॉस 2x बराबर माइनस कॉस 60 तीसरे में ले आओ की, तो हो जाएगा कॉस 180 यहाँ पे प्लस की माइनस की तरफ प्लस कर दो, 180 प्लस 60 कर दो, क्योंकि कॉस 180 प्लस 60 बराबर क्या होता है माइनस कॉस 60 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस से कॉस कट जाएगा और हो जाएगा 2x बराबर 180 प्लस 60, ठीक है। इसके बाद 2x बराबर 180 में 60 जोड़ोगे तो क्या आएगा 240, दो से दो काटोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 120, ठीक है, यानी एक बार x की वैल्यू 60 आ गई, एक बार x की वैल्यू 120 आ गई। और अंतराल क्या था, तो अंतराल ध्यान दो का जीरो का मान 2π था कि नहीं, तो ये चारों मान रखोगे, चारों मान माने क्या, अंतराल का मान तो रखते ही हैं, तो x बराबर 60 भी रखोगे फलन में, x बराबर 120 भी रखोगे, x बराबर 0 भी रखोगे, x बराबर 2π भी रखोगे, ये चारों मान रखोगे, और रखने के बाद जो सबसे बड़ा मान आएगा उसको बोलते हैं उच्चतम मान, जो सबसे कम मान आएगा उसको बोलते हैं निम्नतम मान। तो जो पहले फलन था उसको उतार लेते हैं, फलन क्या था, फलन था एफ एक्स बराबर, उतारते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है। एक बार देखो ये जीरो रखना है, फिर 2π रखना है, फिर इन दोनों को भी रखना है, ठीक है। तो एक बार जीरो रख लेते हैं, तो x बराबर क्या रखने पर, जीरो रखने पर, ध्यान देना अंतराल वाला जो होता है ना, जो मान निकालते हैं वो तो रखना ही पड़ता है, ये मान निकाले हो तो इसको तो रखना ही पड़ेगा, साथ साथ ये जो अंतराल देख रहे हो आप ना, अंतराल, इस अंतराल का पहला और लास्ट मान भी पुट करना पड़ता है, तो ये पहला मान पुट कर देते हैं, तो पुट करोगे तो यफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो बराबर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो प्लस साइन 2x, तो 2 गुणे एक्स की वैल्यू है जीरो, तो साइन 2 गुणे जीरो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगा जीरो, यानी कि यफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई जीरो, इसको आप ऐसे घेर दो, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, इसी में एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 2π रख दो, 2π माने 360, ठीक है। तो लिखो अब एक्स बराबर, पहले फलन उतार लेना है, फलन उतारना है, और फलन उतारने के बाद फिर एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या जीरो रखियो, तो अगली बार 2π रख देना, 360 रख देना, तो क्या हो जाएगा यफ 2π की वैल्यू भी निकल जाएगी,
जो भी निकलेगी उसको ऐसे घेर देना, ठीक है। 60 रखना, 60 रखोगे तो एफ 60 का मान भी निकल जाएगा, ठीक है, इसको भी घेर देना नीचे करके, और फिर 120 रखना तो एफ 120 का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चारों मान निकलेंगे, इन चारों मान में चेक करना कि कौन सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसी को बोलेंगे उच्चिष्ट मान, जो सबसे छोटा आएगा ना उसी को बोलते हैं निम्निष्ट मान, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो बिल्कुल इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ हम लोग पीछे भी लगाए हैं। तो 12 भी देख लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन 13 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या है। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में जो 13 है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और क्वेश्चन 13 जैसे है ना वैसे 14 भी है, वैसे 15 भी है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको लगाते कैसे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे पूछे दो संख्याएं, तो मान लो, क्या मान लो कि माना दो संख्याएं क्या है, एक एक्स मान लो एक वाई मान लो, माना दो संख्याएं क्या मान लो, एक को एक्स तथा दूसरे को क्या मान लो, दूसरी माना दो संख्या एक्स तथा वाई है, ठीक है। इतना हो गया, इतना करने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जिनका योगफल कितना है 24, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा, एक्स वाई बराबर 24 आएगा, ठीक है। इसके बाद एक से करते हैं, यहाँ से एक्स या वाई का मान निकाल लेते हैं, हमेशा इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो x या y का मान, तो x का मान निकाल लो, तो x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस वाई। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा कुछ ना बचाड़ में पढ़ते आए हो, ऐसे करते आए हो, ठीक है। तो सिंपली पहले इतना आपको कर लेना है, इतना जब आप कर लोगे तो कह रहे हैं जिनका गुणनफल उच्चतम हो। देखो यहाँ पे उच्चतम या निम्नतम, उच्चतम या निम्नतम जो दिया रहेगा उसी में सब कुछ करना है। तो जिनका गुणनफल उच्चतम है, यानी इस गुणनफल में करना है सब कुछ, क्योंकि ये उच्चतम है। अगर उच्चतम ये होता है योगफल तो इसमें हम सब कुछ करते, लेकिन नहीं, ये उच्चतम नहीं है, गुणनफल उच्चतम है, तो गुणनफल लेना है उसी में, जो भी छिड़कानी करनी है उसी में करनी है, ठीक है। तो पहली संख्या x से दूसरी संख्या y, दोनों का गुणनफल करो तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो हो जाएगा x इंटू वाई, हो गया। अब इन जो संख्या हुआ गुणनफल, इसको कुछ मान लो, p मान लो, q मान लो, s मान लो, तो हम s मान लेते हैं, ठीक है, बराबर s मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दो पहले, जिसका उच्चतम या निम्नतम कहेगा उसी को कुछ मान लेना पड़ेगा। पी एक्स मान सकते हो, क्यू एक्स मान सकते हो, एफ एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एक डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये उच्चतम है ना, तो उच्चतम है तो दिखाना पड़ेगा कि उच्चतम कैसे है। तो आ जाओ, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे यक, हाँ एक मिनट, एस बराबर, यहाँ पे दो वैल्यू एक्स वाई ना, तो यहाँ पे देखो एक जो वैल्यू निकाले हैं पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाले हो, निकाले हो 24 माइनस वाई, यहीं पुट कर दो ऐसे, y की वैल्यू तो है ही है, एक बार गुणा कर लो, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, s बराबर y का गुणा करोगे तो हो जाएगा 24y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद अब करोगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे y है इधर ना, देखो इधर जो भी रहेगा उसी के सापेक्ष करोगे, इधर y रहेगा तो y के सापेक्ष करोगे, x रहेगा तो x के सापेक्ष करोगे करोगे। ध्यान देना यहाँ पे x y दोनों रहेंगे, और जो इस मान से उसको या तो y में बदल देना या तो x में बदल देना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि पूरे को y में बदल दिया, तो y को बदला तो इधर y है, तो y के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा यहाँ पे डी एस अपान डी वाई, इसका मतलब यस का अवकलन किया गया y के सापेक्ष। 24 y का अवकलन करेंगे तो 24 आएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y आएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उच्चतम है, तो लिखोगे आप उच्चतम के लिए, हम लोग जानते हैं कि उच्चतम या निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, जो अवकलन किए रहते हैं उसको बराबर क्या करते हैं, जीरो के बराबर। यहाँ पर सिर्फ कह रहा है उच्चतम है, तो लिखोगे उच्चतम के लिए डी एस अपान क्या डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान दो, डी एस अपान डी वाई की वैल्यू यही है ना, 24 माइनस टू वाई, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस टू वाई बराबर क्या, जीरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 2y बराबर 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, और y की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, y बराबर 12 आएगा, y की वैल्यू निकल गई 12, ठीक है। तो एक देखो हमको क्या करना था, हमको दो, और हाँ कह रहा है उच्चतम है तो दिखा दो उच्चतम है कि नहीं है, तो बहुत सिंपल है। अगर आप उच्चतम दिखाना चाहते हो तो पहले एक्स वाई का मान निकालो, वाई की वैल्यू निकल गई ना, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बहुत ही सिंपल है, एक्स की वैल्यू तो स्टार्टिंग में क्या था, एक्स प्लस वाई, यही था ना, तो इसको समीकरण नंबर एक मान लो, और कह दो कि वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, वाई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक है,
समीकरण एक क्या था, तो एक था x बराबर 24 माइनस y, y की वैल्यू क्या है 12, और x बराबर क्या आ गया 12, यानी y की वैल्यू 12 आ गई। ओहो, x बराबर 24 माइनस 12 है, तो x बराबर 24 माइनस y, y की वैल्यू 12 थी, जो घटाएंगे तो x की वैल्यू भी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 12 आएगी, y की वैल्यू भी 12 आ गई। लेकिन अभी आप आंसर तो हो गया मेरा, लेकिन उसको एक चीज दिखाना पड़ेगा। कह रहा था उच्चतम है, किसकी वैल्यू उच्चतम है, तो उच्चतम कैसे निकालते हो, जो डी दो बार जो अवकलन करते हो उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो कहोगे हाँ उच्चतम है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गई तो कहोगे निम्नतम है। ठीक है, तो ये जो है दिख रहा है डी एस अपान डी वाई, इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ बगल में मैं कर देता हूँ, उससे आपको नीचे करना पड़ेगा सबसे, लेकिन नीचे स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपान डी वाई स्क्वायर। ठीक है, 24 का डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 0, 2y का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हो जाएगा, और डी स्क्वायर एस अपान डी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पूरी की वैल्यू निगेटिव आई, अतः कह सकते हो अतः फलन क्या है, अतः फलन माने क्या, जो वो गुणनफल था वो क्या है, गुणनफल माने क्या, एक्स वाई क्या है उच्चतम है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख, भले ये सवाल में कह रहा है कि उच्चतम है, लेकिन आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये निगेटिव आ गया इसका मतलब उच्चतम है, तो ध्यान दो उच्चतम भी हो गया और योग भी हो गया और एक्स वाई का मान भी निकल गया। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 13 देख लिया, आप चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ, और क्वेश्चन 14 सेम ऐसे ही है लेकिन समझेंगे फिर भी, देखिएगा। कह रहा है दो धन संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, तो दो धन संख्याएं मान लेंगे। अच्छा, पहले माना गया एक्स वाई है, ठीक है, दो धन संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात भी करना है उसकी वैल्यू, ताकि एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, क्या है, क्या बोलिए, 60 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई। ठीक है, अब कह रहा है ये उच्चतम, उच्चतम क्या है, एक्स वाई क्यूब, ये उच्चतम है, तो सारी सारी जो छिड़कानी करनी है वो इसी में करनी है। ठीक है, इसको आप कुछ मान सकते हो तो मैं बराबर मान लेता हूँ, यस। ठीक, मान लो, अब क्या करोगे, देखो इसके बाद क्या करते, यस इसको एक रूप, मतलब एक, या तो x में चेंज कर लो पूरा, या तो y में चेंज कर लो। एक्स की वैल्यू क्या है 60 माइनस वाई, यहीं पे रख दो तो क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या है वाई क्यूब। एस बराबर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई का इसमें करोगे तो हो जाएगा वाई फोर। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, इधर वाई है तो वाई के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी एस अपान क्या डी वाई। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 हो जाएगा 18 180 वाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 4y क्यूब। हाँ, इतना ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि जो ये चूंकि उच्चतम है तो कहोगे आप उच्चतम के लिए, किसके लिए, उच्चतम के लिए। ठीक है, उच्चतम के लिए ये क्या होता है, ये 0 के बराबर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर देते हैं। अब हमको y का मान भी निकालना था, तो आ जाओ इस डी एस अपन डी वाई की वैल्यू ये पूरा दी है यहाँ पे उतार लो, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन दिख रहा है वाई क्यू वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हो जाएगा यहाँ पे 180 और माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल 0 है ना, तो एक बार ये 0 के बराबर करो तो वाई स्क्वायर बराबर 0, एक बार ये जो है 180 माइनस 4y बराबर ये 0 कर दो, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से माइनस 4y वो 180 उधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 45 आ जाएगी। ठीक है, देखो y की दो वैल्यू निकलती है, एक बार y की वैल्यू 0 निकलती है, एक बार y की वैल्यू 45 निकलती है। अगर हम 0 की बात करें तो y की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ, ऊपर ऊपर में सवाल कह रहा है कि एक्स वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो उच्चतम है। अब अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो x गुणे y की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये 0 आएगा, तो उच्चतम कहाँ, उच्चतम माने, अरे बहुत बड़ा माना है। ठीक है, चलो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो। इसके बाद क्या करोगे, वो जो डी एस अपान यहाँ ऊपर ही कर देते हैं, तो ऊपर सही है। ठीक है, देखो यहाँ से y की दो वैल्यू निकली, एक बार 0 निकली, एक बार 45 निकली। ठीक है, इसको थोड़ा याद किए रहिएगा कि इन दोनों का मान इतना इतना निकला है। ठीक है, इसके बाद नीचे करेंगे, पर स्पेस ना होने के कारण यहाँ कर दें,
देखो ये जो डी एस अपान डी वाई की वैल्यू निकली ना, इसी के बारे में और डिफरेंशिएट करते हैं। तो करोगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपान डी वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे ना एक्स सी वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा, गुणा करोगे तो हो जाएगा 360 वाई माइनस, इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो सिंपल समझो आप, वाई की वैल्यू एक बार जीरो निकली थी, अगर जीरो यहाँ पर रखोगे ना तो 360 गुणे जीरो, ये पूरा सब जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो आएगा। और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो ये क्या होगा, अरे ये उच्चतम निम्नतम कुछ होगा या नहीं, लिंग एरर उच्चतम है तो जाहिर सी बात है वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो आप यहाँ कह देना कि वाई नॉट इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या होगी 45, तो यहीं पर रख दो वाई बराबर 45 रखने पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यस अपान डी वाई स्क्वायर बराबर 360 का 45 में गुणा कर लेना और 12 था 360 का 45 में गुणा करना, तो 360 गुणे, अच्छा कॉमन कुछ दिख रहा है ना दोनों में, तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या है 12 कॉमन ले लो, 12y, तो 12y कॉमन लोगे तो 12y पहले कॉमन ले लो, पहले कॉमन लेके तब वैल्यू रखो, ठीक है। 12y कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 12y कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। अब रखो वैल्यू y बराबर 45 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर यस अपान डी वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो 12 है और गुड़े ये क्या है 45, ये 45 हो जाएगा y की वैल्यू, और अंदर देखो 30 गुड़े y की वैल्यू क्या है 45, ठीक है। थोड़ा नीचे देख लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेना, मान लो 12 गुड़े 45 रहते थे, ठीक है, और गुड़े इसमें से ये घटाओगे तो आएगा -15, और गुणा करोगे तो ये देखो माइनस है ना, सबके आगे माइनस आ जाएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, और निगेटिव में आएगी तो फलन क्या होगा, फलन होगा उच्चिष्ट यानी उच्चतम होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया कि फलन उच्चतम है, ठीक। अब देखो y की वैल्यू 45 निकल गई तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बहुत सिंपल है, जो ये स्टार्टिंग में निकाले थे माना उसको समीकरण नंबर एक मान दो और y की वैल्यू समीकरण एक में रख दो, तो कह सकते हो y का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था x बराबर 60 माइनस y, y की वैल्यू क्या है 45 और x बराबर क्या आ गया 15, यानी x बराबर 15 आया, y बराबर 45 आया और x y का मान निकल गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 14 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में रहते हैं बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है, ठीक है। बाकी जो आए क्वेश्चन उसको देखेंगे एक नए वीडियो में, तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ जाके आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर बताइए, कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार और बनाए रखिए।